जंगल की दुनिया इंसानों से काफी अलग है। यहाँ ताकत आपको किसी भी रूप में मिल सकती है। ये जरूरी नहीं कि आकार के बड़े जानवर ही पूरे जंगल में अपना खौफ बरकरार रख सकें। कभी कभी 5 से 10 सेंटीमीटर के जीव भी वो कर दिखाते हैं जिसे करने की हिम्मत किसी भी टॉप प्रीडेटर्स में नहीं होती। देखा जाए तो ये छोटे जीव अक्सर साइलेंट किलर होते हैं, जो बेहद चालाकी और शांति से अपने काम को अंजाम देते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रास हॉपर माउस की। ग्रास हॉपर माउस एक छोटा सा जीव है जो आकार में केवल 10 सेंटीमीटर तक का होता है और इनका वजन 60 ग्राम तक का होता है। ये जीव नायाब, निडर और घातक शिकारी हैं, जो रात के अंधेरे में ही शिकार करते हैं। बिच्छू, सेंटीपेड्स या टेरेंटुला जैसे खतरनाक जीव इस दानव का मुख्य शिकार होते हैं। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले इस रोडेंट को बहुत लोग स्कॉर्पियन हैमस्टर के नाम से भी जानते हैं। रोडेंट होने के बाद भी ये जीव काफी घातक है और फास्ट है और दुश्मनों के हमले को चकमा देने में काफी आगे है। आज की इस वीडियो में हम इसी शिकारी की कुछ खास खूबियों के बारे में जानेंगे, जो खतरनाक जानवरों के बीच रहने के लिए जाना जाता है और छोटे होने के बाद भी दिलचस्प तरीके से शिकार करता है। इनसे मिलिए, ये है ग्रासहॉपर माउस। हालांकि इस जीव का नाम ग्रासहॉपर है, लेकिन यह हैमस्टर की फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक रोडेंट है। सुंदर शरीर, बड़ी चमकीली आंखें और ग्रे रंग के साथ ये भले ही आपको प्यारे लगे, लेकिन इस भोली शक्ल के पीछे एक ऐसा जीव छिपा है जो खतरनाक शिकारियों से लड़ने में सक्षम है। इस पर एक घातक बिच्छू और सेंटीपीड के जहर का भी कोई असर नहीं पड़ता। ग्रासहॉपर माउस को शिकार करना बेहद पसंद है। वॉर्म, स्पाइडर, सेंटीपीड, स्कॉर्पियन, स्नेक से लेकर दूसरे चूहे भी इसके फूड मेन्यू में शामिल हैं। इसकी बड़ी काली आंखें रात को शिकार करने के लिए बनी हैं। दिन के समय ग्रासहॉपर माउस अपने बिल में आराम फरमाते हैं और बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये जीव काफी पारिवारिक होते हैं, जो अपने मादा साथी और बच्चों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। हालांकि ये प्रजाति बिल में रहना पसंद करती है, लेकिन ये खुद के लिए कभी बिल नहीं बनाती, बल्कि ये अपने लिए एक रेडीमेड बिल की तलाश करता है जिसका मालिक कोई और होता है। ऐसे में ये जीव दूसरे जानवरों का बिल छीनकर उन्हें मार देते हैं और वहां अपना आशियाना सजाते हैं। नॉर्थ अमेरिका के सबसे गर्म रेगिस्तानों में से एक सोनोरन रेगिस्तान इसका घर है। सबसे हैरानी की बात है कि रोडेंट के परिवार से होने के बावजूद ये जीव बाकियों की तरह कभी भी शाकाहारी भोजन नहीं खाते। ये पूरी तरह कार्निवरस होते हैं और अपने परिवार के साथ मिलकर टेरिटरी में दबदबा बनाकर चलते हैं। ग्रासहॉपर माउस में एक खास बात होती है कि इस प्रजाति के नर और मादा दोनों ही एग्रेसिव किस्म के होते हैं और साथ मिलकर काम करते हुए अपने प्रतिद्वंदी पर अक्सर हावी हो जाते हैं। अपने इलाके को मार्क करने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ग्रासहॉपर माउस बेहद ही अनोखा रास्ता अपनाते हैं। यह अपने पैरों पर खड़े होते हैं, सिर को पीछे की ओर करते हैं और रात के आकाश में एक भेड़िए की तरह चीखते हैं। इनकी ये आवाज 9 से 14 किलोमीटर हर्ट्ज तक की होती है और स्लो स्पीड में सुनने पर एक भेड़िए की तरह लगती है। अब बात करते हैं इनकी हंटिंग स्किल्स और रणनीति की, जिस पर चलकर ये अपने लिए शिकार ढूंढते हैं। कहते हैं रात में ग्रासहॉपर माउस राजा होता है, लेकिन उगते सूरज के साथ ही इनके लिए नए खतरे पैदा हो जाते हैं। ग्रासहॉपर माउस खतरनाक शिकारी होते हैं। जब भी ये शिकारी और जहरीले बिच्छू आमने सामने आते हैं तो लड़ाई देखने लायक होती है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जिसमें ट्री स्कॉर्पियन और ग्रासहॉपर माउस एक दूसरे की जान के भूखे बने हुए हैं। इस क्लिप में ग्रासहॉपर माउस का पाला ट्री स्कॉर्पियन से पड़ा है, जिसका जहर उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले सभी बिच्छुओं में सबसे ज्यादा जहरीला होता है। हर साल कई अमेरिकी इस जहरीले बिच्छू के काटने से अस्पताल पहुंच जाते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि दोनों प्रतिद्वंदियों में कौन जंग अपने नाम करता है। रात के अंधेरे में जैसे ही ग्रासहॉपर माउस बिच्छू की तरफ आगे बढ़ता है, वैसे ही पहला हमला स्कॉर्पियो की तरफ से होता है, जो ग्रासहॉपर माउस पर जहरीला डंक मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं होती। 2-3 बार इस जीव के शरीर में जहर छोड़ने की कोशिश करने के बाद भी वो सही सलामत है। अब बारी है ग्रासहॉपर माउस की, जो पूरी ताकत के साथ बिच्छू पर टूट पड़ता है और उसे बाइट करना शुरू कर देता है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि बिच्छू काफी देर से मोशनलेस पड़ा है, लेकिन उसका डंक अभी भी हैमस्टर को बाइट करने की कोशिश कर रहा है। आखिर में हैमस्टर अपनी आंखें बंद करता है और दुश्मन के वाइब्रेशंस पर फोकस करता है। इसके तुरंत बाद वो बिच्छू को उसके एंटीना से पकड़कर खाना शुरू कर देता है। बिच्छू के लिए अब ये लड़ाई काफी मुश्किल हो गई है, क्योंकि इस जीव ने एंटीना पर वार करके अपने शिकार को निहत्था कर दिया है। बिना हथियार के लड़ाई अपने नाम करना एक बिच्छू के लिए काफी मुश्किल होगा, इसलिए कुछ देर बाद ये अपनी जान गंवा बैठता है और ये शिकारी चूहा अपने भोजन को लेकर बिल की तरफ निकल पड़ता है। इस वीडियो में हैमस्टर की लड़ाई लड़ने की रणनीति काफी गौर करने वाली है। दरअसल ये रोडेंट्स अपने शिकार से लड़ने और उन्हें मारने के लिए एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं।
शिकार के करीब आने पर ये अपनी आंखें बंद करते हैं और शिकार का पता लगाने के लिए उसकी वाइब्रेशंस पर फोकस करते हैं। इस काम के लिए वो अपने पंजे और मूंछों का इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये लड़ाई जीतना हैमस्टर के लिए काफी आसान इसलिए भी था क्योंकि इसमें बिच्छू लाख कोशिश के बाद भी उसे बाइट करने में पूरी तरह विफल रहा है। अब जरा दूसरी लड़ाई देखिए, जहां बिच्छू हैमस्टर के शरीर में डंक छोड़ने में सफल हो जाता है। इस क्लिप में बिच्छू काफी फुर्ती के साथ इस रोडेंट को पकड़कर उस पर जहर दाग देता है, लेकिन अभी भी हमें रोडेंट के हमले में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलता। दरअसल जहर का हैमस्टर पर कोई असर ही नहीं होता, वो उसी फुर्ती के साथ बिच्छू पर हमला करता है और आखिर में हैमस्टर उसी रणनीति का इस्तेमाल करते हुए बिच्छू के स्ट्रिंग को पकड़ में ले लेता है और ये बैटल ऑफ भी हैमस्टर के नाम ही हो जाती है। इससे पता चलता है कि हैमस्टर पर खतरनाक जहर का भी कोई असर नहीं पड़ता। हैमस्टर के अंदर इतने स्पेशल फीचर रहे हैं कि कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट भी इस प्रजाति में दिलचस्पी लेने लगे। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि ट्री स्कॉर्पियन के जहर को इक्वल मात्रा में अगर एक आम चूहे और हैमस्टर के शरीर में छोड़ा जाए तो एक आम चूहा कुछ ही मिनट में मर सकता है, जबकि इसके विपरीत हैमस्टर के शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिच्छू के जहर के अलावा बाकी और भी कई जहर हैं जो हैमस्टर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते। जहर के प्रति इस जीव का शरीर काफी अनोखी प्रतिक्रिया देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एनिमल सेल्स की संरचना काफी अलग है। उदाहरण के तौर पर जब इंसान या जानवर को कोई चोट आती है या हमला होता है तो हमारे सेंस ऑर्गन्स और ब्रेन इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, लेकिन जब एक बिच्छू इस जीव पर हमला करता है तो ये मुश्किल से ही दर्दनाक डंक को नोटिस कर पाता है। इसे डंक से कोई दर्द महसूस नहीं होता। इसके अलावा इस जीव के सेलुलर पाथ में हमेशा म्यूटेशन होती है जो पेन रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। ऐसे में ये जीव बिच्छू और बाकी कई जहर के प्रति इम्यून हो जाते हैं। आज के समय में वैज्ञानिक इस जीव को पूरी शिद्दत के साथ स्टडी कर रहे हैं ताकि इनके इस व्यवहार के आधार पर एक ऐसी पेन रिलीफ दवाई बनाई जा सके जो इंसानों को भी दर्द के प्रति इम्यून कर सके। अब चलते हैं हमारी अगली बैटल ऑफ क्योर, जहां ग्रास हॉपर माउस एक जायंट सेंटीपीड से भिड़ जाता है। बिच्छू की तरह ही इस सेंटीपीड का जहर काफी घातक है। ये अपनी पूंछ से बार बार हैमस्टर पर हमला करता है। हालांकि ये रोडेंट हमलों को डॉज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेंटीपीड शुरुआती दौर में भारी पड़ता नजर आ रहा है। खैर, ये स्थिति ज्यादा देर तक एक जैसी ही नहीं रहने वाली, क्योंकि हैमस्टर अपनी फॉर्म में आते ही अपने शिकार की पूंछ को पकड़कर उसे बाइट करना शुरू कर देता है और इसके साथ ही ये जीव अपना हथियार खो देता है। अब ये लड़ाई हैमस्टर के नाम हो चुकी है। इसे इंतजार है तो बिल में जाकर इसे अपना डिनर बनाने की। एक बार अपने शिकार पर जीत पाने के बाद अब हैमस्टर तैयार है भेड़िए जैसे आवाज निकालने के लिए ताकि अपने इलाके में इसका दबदबा कायम रह सके। हैमस्टर केवल बिच्छू और सेंटीपीड पर ही भारी नहीं पड़ते, बल्कि स्पाइडर के खिलाफ जीत दर्ज कराने के लिए भी ये ऐसी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। इस क्लिप में हैमस्टर ने जहरीले टेरेंटुला स्पाइडर को शिकार बनाने का मन बनाया है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिच्छू और सेंटीपीड पर जीत दर्ज कराने के लिए स्पाइडर से लड़ना हैमस्टर के लिए आसान है तो आप सही हैं। ये बड़ी आसानी से स्पाइडर की ब्लेड्स पर काबू पा लेते हैं और उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इन जीवों को रोडेंट फैमिली के आम चूहों को भी खाने में कोई समस्या नहीं होती। भोजन न मिलने पर ये दूसरे चूहों को भी अपना शिकार बना सकते हैं। दोस्तों, एक रेगिस्तान में सरवाइव करना इतना आसान नहीं होता। वहाँ खुद को बचाने के लिए दूसरे प्रतिद्वंदियों को हर समय मात देनी पड़ती है और खुद को आगे रखना पड़ता है। यही वजह है कि इन छोटे रोडेंट्स को अक्सर छिपकली और छोटे सांप को भी अपना भोजन बनाते हुए देखा गया है। जरा सोचिए, अमेरिका के रेगिस्तान में एक ऐसा चूहा अस्तित्व में है जो सांप को खाने की काबिलियत रखता है। हालांकि इनका शिकार केवल छोटे सांप होते हैं, बड़े सांपों से उलझने की हिम्मत करना हैमस्टर के लिए महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी नजर में रेगिस्तान का सबसे खतरनाक जीव कौन सा हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।